दोस्तों से अनुरोध है कि वो अपने पेट को अपनी अपनी कुर्सी और सोफों की पेटी से बांध ले, क्योंकि कॉमेडी सर्कस उड़ान संख्या ही हु हु हा हा अब उड़ान भरने वाली है। प्लीज वेलकम कपिल एज पायलट विद श्वेता एंड तड़का टीना एज पैसेंजर। हेलो, हाँ माँ, माँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। हेलो, हाँ माँ मैं पहुंच तो गया हूँ एयरपोर्ट, लेकिन सारे जहाज पटरियों पे क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं, लंबे लंबे जा। अच्छा, रेलवे स्टेशन है ये? वो तो मेरे को क्या पता, तभी मैं कहूँ इतने लंबे लंबे जहाज क्यों, मैंने जब उड़ते देखे इतने इतने होते हैं। ठीक है माँ, चलो माँ फोन रखो तुम, फिर मैं एयरपोर्ट निकलता हूँ। फोन रखो तो सही, हैंड फ्री पे। चलो मैं रखता हूँ फिर, एयरपोर्ट पे निकलूँ। एक तो सरकार ने इतनी जिम्मेदारी दी, आज ही पायलट बनाऊँ मैं, सारा कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ। सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग कार से लेके पैसेंजरों का सामान अंदर तक रखता हूँ, एयरपोर्ट निकलता हूँ, ट्रैफिक मिलेगा कैसे पहुँचूँ जल्दी जल्दी, एयरपोर्ट इधर बुला लेता हूँ। ये आ गया एयरपोर्ट। Yes. बेटा अकेले किधर घूम रहे हैं? मम्मी पापा किधर हैं? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मॉम डैड को साथ में लेकर घूमूंगी। नहीं, मेरी पार्टनर है ना श्वेता, उसकी 11 साल की बच्ची, मुझे लगा हील पहन के वही आ गई है। How dare you call me a 11 साल की बच्ची? बच्ची कहने के लिए डेयरिंग होने की जरूरत थोड़ी है, डेयरिंग होने के लिए तो अगर मैंने आपको ऐसे किया हो फिर हिम्मत, ग्लिटर लगा के आई स्किन पे हैं। What rubbish? अंग्रेजी नहीं बोल रही, अंग्रेजी बोलने के लिए हमने बंदा रखा हुआ इधर। ऐसी अंग्रेजी बोलता है माँ कसम, कोई माइका लाल बता दे कि याद करके आया है। टिकट किधर है आपका? एक सेकंड। ये चंदन सिनेमा का टिकट देके कौन सी फ्लाइट में बिठाऊं करके? ठीक है, I'm so sorry, वो क्या है ना, कल रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी तो बॉयफ्रेंड भी है, जमीन से निकली नहीं बॉयफ्रेंड रखा है। क्या कौन से स्टैंडर्ड में पड़ता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? What nonsense, येलो टिकट। ओके, और वेयर इज योर आईडी कार्ड? गुड जोक, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। देखो मैडम, पहचान की बात नहीं है, वो बात नहीं है, अभी मैंने परसों अर्चना को बिना पहचान पत्र देखे अंदर भेज दिया, बाद में पता चला टार्जन वाला हेमंत बिरजे था। आईडी कार्ड निकालिए आप। लिसन, मैं फेमस डेली सोप उत्तरण की इच्छा हूँ, यानी टीना तत्ता। उत्तरण की इच्छा? जी हाँ। कौन से चैनल पे आता है ये शो? नॉनसेंस। नहीं मैं क्या, मैं देखो मैं सास बहू वाले सीरियल देखता नहीं। देखो तुम्हारे पास आईडी कार्ड है तो बताओ, नहीं तो बगल में बस अड्डा वहां पे निकलो, शाम को 4 बजे वहां से बस जाती दिल्ली को, कंडक्टर मेरे बुआ का लड़का है नवीन, उसको जाके मेरा नाम लेना, तुम्हें फ्रंट सीट पे बिठा के लेके जाएगा बिजनेस क्लास में। इडियट, बस में कोई बिजनेस क्लास नहीं होता है। तेरे को बस की बड़ी नॉलेज है। ऐसी एक्ट्रेस होती है स्ट्रगल के दिनों में काली स्याही से यहाँ तक मूछे बना के ना ट्रेन में एंटरटेनमेंट कर रही होती लोग, रिंग में से कूद के यूं कर रही। एक आध सीरियल मिल जाता फिर ऐसी चौड़ी होती, वाह वेयर इज माय वैनिटी। नॉनसेंस, ये लो आईडी कार्ड निकालो। एक बात बताओ मैडम, जब पासपोर्ट साइज फोटो में पूरी बॉडी आ सकती, सिर्फ मुंह क्यों लगाया आपने? तेज तू भाग रही फ्लाइट से, पहले तो तू पहुंच जाएगी आराम से। क्या हुआ, किधर जाना तेरे को? अरे अरे जहाज उड़ा नहीं अभी, नहीं नहीं उड़ा नहीं, अरे यही है। हां हां, ए चल हट, मुझे दिल्ली जाना है। तो वो कौन सा राशन की लाइन में लगी हुई, उसको भी दिल्ली जाना है। एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके। तो ये कहां है, आधी आई है? व्हाट डू यू मीन बाय आधी? हां फिर अंग्रेजी बच्चों के सोहेल खान, तेरे को कितनी बार कहा है अंग्रेजी नहीं बोलनी है? वेयर इज योर टिकट? टिकट कहां है माताजी? बेटा टिकट तो मिला ही नहीं। बिना टिकट के कैसे जाओगी? अरे वो क्या है कि एक बार टिकट लेके मैं रावण देखने चली गई थी, उसके बाद से तो टिकट से भरोसा ही उठ गया बस। अब ना बेटा मेरे पास टिकट नहीं है, तू मुझे बस ऐसे ले चल, तू जहाँ बोलेगा वहाँ पे बैठ कर चलूंगी। ये बुढ़िया बिना टिकट के जाएगी? गुड जोक, फ्लाइट में बिना टिकट के। ए चार आने की तीली, बूढ़ी किसको बोली तू, बूढ़ी किसको बोली? अगर आज भी मैं ऐसे कर दू ना तो खाली पेट लौंडों की डकार निकल जाती है। और तू टिकट की बात करती है, मुझे बता अमेरिका में जिसने बिल्डिंग गिराई थी
थी वो लोग कौन सा टिकट पकड़ के आए थे? क्या बात है, जोरदार तालियां। ये बात कह के माताजी आपने मेरा दिल लूट लिया है। जा दफा जा, टिकट लेके आओ। नहीं, मेरे से पैसे लो। माता तुम्हें सफर फ्री है, तुम फ्री में आ सकती हो, फ्री में। एक्सक्यूज मी, अगर ये फ्री में आएगी तो मैं भी फ्री में आऊंगी। जैसे तू डायलॉग बोल रही, तेरे को फ्री में ही आना चाहिए था। फ्री में आऊंगी मैं, यही जहा है। चुपचाप बैठो इधर, बैठो इधर, हाँ इधर बैठो। इतनी गंदी चेयर, श्री मैं नहीं बैठ सकती। क्या गंदी चेयर है ये? तुमने गंदी चेयर अभी देखी नहीं है। तुम्हें पता है बेचारे दोनों कौन सी चेयर पे बैठते हैं? मेरे तरफ मत फेंको, इसी पानी से चेयर क्यों नहीं धो लेते अपनी? ये तुम्हें पता है जिस चेयर पे ये लोग बैठते हैं, हमारे सोहेल भाई, अर्चना मैडम, तुम्हें क्या लगता है ये बार बार खड़े होकर स्टैंडिंग कमीशन देते हैं? मच्छर तंग करते हैं इनको। चार साल से आते हैं, अर्चना के तो फैमिलियर हो गए हैं, सोहेल भाई को ज्यादा तंग करते, फिर कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। इधर बैठो, चुपचाप, गंदी नहीं है। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। अरे बेटा, मेरा गला सूख रहा है। हाँ, एक सेकंड। ये बियर कब मिलेगी? बुढ़िया तू प्लेन में आई के ठेके पे आई, तेरे को शर्म नहीं आती? बुढ़ियों का बियर पीती है तू? अरे कमबख्त, मैं बियर इसके लिए मांग रही थी कि जब ये फंबल करे कम से कम इसके पास बहाना तो हो कि बियर पी लिया था, जबान लड़खड़ा गई। और तू इधर इधर, ये देख मैं गीला पेटीकोट लाई हूँ, जब हवाई जहाज जुड़े ना तो बाहर सुखा देना, सूख जाएगा। बाहर कौन सी तेरी माँ ने तार बांधी हुई है इसको सुखाने के लिए? बैठ, चुपचाप इधर। कुछ नहीं, इधर बैठो। फिर क्या हुआ, तुम नहीं पहनती पेटीकोट? आराम से बैठो। आज मैं सोच रहा हूँ साथ ही बैठ के जहाज चलाऊं, सवारियां कम है। सबसे पहले जरूरी सूचना सुनो, ये विमान दिल्ली से मुंबई जाएगा, अगर गिरा नहीं तो। और दिल्ली से मुंबई तक की दूरी हम लोग 12 घंटे में तय करेंगे। What nonsense! 2 घंटे की डिस्टेंस 12 घंटे में? देखो मैडम, पहले 200 किलोमीटर हम लोग बाई रोड जाएंगे, रास्ते मेरे चाचा का पेट्रोल पंप है, वहां से डीजल भरवाएंगे, उसके बाद अगर इंजन ने काम किया तो टेकऑफ भी कर जाएंगे। अरे बेटा, इधर जहाज के ड्राइवर को बोलना जरा धीरे धीरे चलाए, मैं पहली बार जहाज में बैठी हूँ ना। मैं खुद पहली बार चला रहा हूँ, मैं ही पायलट हूँ, घबराइए मत आप। एक्सक्यूज मी, तुम पायलट हो और तुम ही एयर होस्टेस, एक छोटे से छोटे फ्लाइट में भी दो दो एयर होस्टेस होती है। कुल मिला के एक और हाफ, डेढ़ सवारी के लिए दो एयर होस्टेस रखूं मैं? दिमाग खराब है? ये एयर होस्टेस की क्या जरूरत है तुम लोगों को? बगल में बैठ के जहाज चला रहा हूँ, कोई चीज मांगनी हो तो मेरे से मांग लेना। अच्छा तो बेटा मैं मांगती हूँ। हाँ। एक काम करियो, जहाज ना आगे जाए अगर मेडिकल शॉप दिखे ना तो रोक देना, वो ना गैस हो रही है, दवा खरीदनी है। ये तू जहाज में जा रही है कि रिक्शा में जा रही है? इतनी गैस हो रही ना पीछे, मेरा सिलेंडर खाली, भर दे जाके इसको। चलो चुपचाप बैठो, जहाज टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है? हिलना नहीं। अरे बेटा ये आवाज कहां से निकल रही है? ए, चुप रह। एक सेकंड, तुम लोग की ऐसे, मैं तो वैसे कंफर्टेबल होकर बैठा हूं, जहाज तो रोड पे अभी। जाके बैठो, ये ऑटो हटा साले इधर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग इस समय जमीन से तकरीबन आधी बाजू ऊपर उड़ रहे हैं। बस इतना ही ऊंचा उड़ रहे हैं? देख हमारी तारीफ होती इसका मतलब ये नहीं हम लोग ज्यादा उड़े। चुपचाप बैठी रहे। एक बात ध्यान से सुनिए बुढ़िया, हेलो, ये सिंह दाना खाना बंद कर, ध्यान से सुन। इन केस अगर जहाज को आपातकालीन स्थिति में पानी में उतारना पड़े तो फटाफट बर्तन मांझ लेना, पानी नहीं अपने पास। और सुनो, जैसे पानी में उतरेगा ना, दो दो मछलियां पकड़ देना, अपने पास सिर्फ चपाती है, खाने के लिए सब्जी कोई नहीं है। अरे लेकिन बेटा मैं तो मछली खाती नहीं। तो तू पानी में से गोभी पकड़ देना बुढ़िया। सुन मेरी बात, एक तो तू फ्री में जा रही है, ऊपर से तेरी डिमांड नहीं करते, मैं कूनी मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुपचाप बैठे रहो और अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अरे बेटा मेरी कुर्सी की तो पेटी ही नहीं है। कुर्सी की पेटी को छोड़, पहले पेटीकोट का नाड़ा बांध इसका। एक्सक्यूज मी पायलट, वो मेरी कुर्सी में भी पेटी नहीं है। होएगी कहां से, तीनों कुर्सियां अपने ड्राइंग रूम से लेके आया हूं। सुनना, पेटी छोड़, तू एक काम कर, फ्लाइट। हाँ। ये ले बांध ले,
ज्यादा टाइट मत बांधना, तेरी कमर की दोनों हड्डियां ना पिचक जाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, चलते हुए जहाज में मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करना। हाँ माँ बोलो। एक्सक्यूज मी, अभी अभी आपने कहा कि मोबाइल बिल्कुल मत यूज करना, तो आप क्यों फोन पे बात कर रहे हैं? मैंने यात्री कहा है, मैं पायलट हूँ। सुनो तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? हाँ, क्या? थोड़ी देर में जहाज क्रैश होने वाला है। क्या? क्या? कम बहुत तो तू खुश हो रहा है? तो मैंने जहाज का इंश्योरेंस कराया हुआ, आ गया लाइट में। मैंने जहाज का इंश्योरेंस कराया हुआ, जब ही जहाज अपना टूट जाएगा नया वाला जहाज मिलेगा, नए जहाज में जाएंगे। अरे बेगैरत, अगर हम तीनों मर गए तो इंश्योरेंस का क्या अचार डालेगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, फ्लाइट में कोई पैराशूट है क्या? हाँ है, पैराशूट है। बोलो क्यों? हाँ, तो ठीक है, उसे लगा कर कूद जाते हैं। तो पैराशूट लगा के कूदेंगे तो बच जाएंगे। हाँ जल्दी। ओके, ये रहा नारियल तेल। क्या मिलेगा आज प्रेज में आपकी तरफ से? टीना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। एंड राइट एट द आउटसेट मैं कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत 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 अच्छा काम किया इस एक्ट में। वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच भाई। एक यही शो हो सकता है जो हिंदुस्तान की मशहूर से मशहूर सोप एक्टर्स को, फीमेल एक्टर्स को यहाँ पर आमंत्रित करता है, उनको अच्छे खासे पैसे देता है और फिर उनका ऐसा बैंड बजाता है यहाँ पर और बहुत ही गुड नेचरली उस मजाक को लेती हैं और बहुत बेहतरीन काम करती हैं यहाँ पर। वेरी वेल डन। And Shweta, you did a wonderful job. Thank very, you. Very good. और कपिल, मैं अभी क्या बोलूँ, मतलब पता नहीं क्या क्या मैं आपके लिए वर्ड्स इस्तेमाल करूँ। The act was superb. Thank you so much. Fantastic. So Hail, आप क्या कहेंगे इस crazy pilot के बारे में? कपिल, 10 points. Thank you, bye. अर्चना, specially आज टीना के लिए and of course the act के लिए. 10 points. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.